अभी हम मौजूद है स्वायत्त शासन विभाग भवन के सामने, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सितंबर 2020 में एक फायरमैन भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसको लेकर पिछले 5 दिनों से यहां पर धरने पर चयनित बेरोजगार बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनको अभी 2 साल में भी नियुक्ति नहीं दी है। कुछ बेरोजगार हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे इनकी क्या समस्याएं। मैं जोधपुर से हूं और राजस्थान फायरमैन का अभ्यर्थी हूं। मेरा अंतिम रूप से चयन हो रखा है, हमारे समस्त भाइयों का अंतिम रूप से चयन होगा। हम 480 जन यहां बैठे हैं और पिछले 3 दिनों से यहीं पे बैठे हैं। 2 साल से लंबित ये भर्ती है, अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसका परिणाम आए हुए 1 से 1.5 महीने हो गया है, लेकिन हमें हमारे परिवारजनों को अभी तक शांति नहीं मिली है, हमें नियुक्ति नहीं मिली है। और जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, सरकार को चेतावनी देते हैं, आचार संहिता लगने वाली है, इलेक्शन सामने खड़े हैं। 480 परिवार यानी एक परिवार में 5 वोट, आप समझ सकते हैं सरकार को खुली चेतावनी है, कितने वोटों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपने भर्ती निकाली है, 2 साल से हमें इस वैकेंसी में रगड़ रहे हो, तो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो भैया। सितंबर 2021 में ये भर्ती निकाली गई थी, आज तक इसमें 23 अगस्त को इसका अंतिम परिणाम आ गया था। इसकी भर्ती में कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है, फिर भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, फाइल खेल रहे हैं। पहले 2 साल तक इन्होंने डाटा खेला, बोर्ड को समय पर डाटा उपलब्ध नहीं करवाया, उसी के कारण हमारे परिणाम में देरी भी। अभी भी अधिकारीगण हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, हम पिछले 5 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हैं, किसी अधिकारी ने हमारी सुध नहीं ली आज तक। वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मंत्री जी नहीं आए, तो फाइल तो भैया आजकल ऑनलाइन PDF स्कैन करके भी सिग्नेचर हो सकते हैं, जबकि सरकार के पास इतने माध्यम है, ऑनलाइन VC से उद्घाटन करवा सकती है, तो सरकार ऑनलाइन PDF साइन क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों लटकाया जा रहा है, जबकि आचार संहिता सिर पे और हजारों काम भी पेंडिंग में। इससे अच्छा है कि 480 परिवारों को खुशियां मिल जाए, सरकार हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। आज सुबह हमारे प्रतिनिधि मंडल की मंत्री जी से बात हुई थी, मंत्री जी ने कहा मैं 10 बजे सिग्नेचर करके दे दूंगा। अधिकारीगण से निवेदन है एक्स्ट्रा टाइम लेके रात तक हमें नियुक्ति आदेश जरूर जारी करवाएं। धन्यवाद भैया। उस महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम दिव्या है, और अभी जैसे इन्होंने बताया हम पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं, हमें किसी से कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है। कोई कहता है फाइल मंत्री के पास है, मंत्री जी कहते हैं सचिवालय में, सचिवालय कहता है DLB के पास है। हमें आज 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू, कभी DLB कभी सचिवालय चक्कर काटते हुए, पर स्पष्ट किसी ने हमें अभी जवाब नहीं दिया। हमारे ही वैकेंसी के बाद जो भी वैकेंसी निकली है वो क्लियर भी हो चुकी है, उन्हें ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, बट ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारी वैकेंसी जब आई थी उसके बाद एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए, फिजिकल के लिए, हर चीज़ के लिए हमें धरना देना पड़ा, और अब हम नियुक्ति के लिए भी आज 3-4 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर हैं, और अगर आज नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम यहीं रहेंगे। मैम कितने पदों पर अभी ज्वाइनिंग? अभी टोटल पद तो 600 थे, जिसमें से 480 को इन्होंने सेलेक्ट किया है, 480 बच्चे हैं जिनको नियुक्ति दी जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के परिजन भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं केकड़ी से आया हूँ साहब। अच्छा। हाँ, किसान परिवार से हूँ और मेरी पुत्र वधु को लेकर आया हूँ साहब, और पुत्र वधु बहुत परेशान, छोटा बच्चा है, उसको घर पर छोड़ के आई है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ साहब कि सरकार जल्दी से जल्दी नियुक्ति है। एक किसान परिवार कैसे कमा के अपने को बच्चे बच्चियों को लायक बनाता है, मैं तो ये कहता हूँ सरकार। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? मैं तो साहब आज ही आया था। हाँ, और दो दिन पहले से आ रहा हूँ, जब भी पुत्र वधु यहाँ इकट्ठे होते हैं मैं ही आता हूँ साहब हमेशा। कुछ चयनित अभ्यर्थी और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और फायरमैन की जब कोर्स किया था तो उम्मीद थी कि हम भर्ती होंगे और राज्य में सेवा देंगे, लेकिन जब से भर्ती आई है ना, ये ओनली फॉर धरनों से चल रही है। इसका नियुक्ति आने के बाद में एग्ज़ाम तो आराम से हो गया, उसके बाद में हम कम से कम यहाँ चौकदा या 15 बार धरना देने के लिए आ गए। पहले कर्मचारी चयन बोर्ड आते थे, अब DLB का सिलसिला हो गया, हम 3 दिन से यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर गोली दे देते कि आज शाम तक आ जाएगा या कल आ जाएगा, अगले सप्ताह में, अगले वीक में, बस गोली मिलती रहती है और हम चले जाते हैं बस गोली खा के, लेकिन फिर वो टाइम पूरा होता है तो कुछ आता जाता कुछ है नहीं इसमें, तो हम 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ ही धरना देके बैठे हैं कि जब तक हमारी ज्वाइनिंग लिस्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम यहीं रहेंगे, और आज शाम तक आती है तो ठीक है, नहीं फिर हम बंदे फायर वाले वो भूख हड़ताल करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि आचार संहिता सर पे है और
न तो सरकार सुन रही है और न डिपार्टमेंट वाले सुन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सरकार नहीं सुनेगी तो उसको फिर भारी चुनाव में भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर कांग्रेस सरकार को वोट कौन देगा? यहाँ पे तो जितने भी फायरमैन बैठे हैं उनकी अगर ड्यूटी नहीं लगती है या उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो फिर घरवाले भी उनके नहीं देंगे और हमारे जो परिवार परिजन वाले हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो उसको भारी भुगतान करना पड़ेगा। और धारीवाल जी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी फाइल आई नहीं है, और इधर डिपार्टमेंट वालों को बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें फाइल भेज दिए धारीवाल के पास, उनके साइन बाकी है। तो अब कहाँ पे घपला हो रहा है वो पता नहीं है, वो बोलते इधर है इधर बोलते उधर है, तो हमें फायरमैनों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे बाद में रिजल्ट आया रीट का, उनको जिला अलाउमेंट करके जॉइनिंग मिल गई है लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। देखिए अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई जवाब नहीं मिला। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। हमारी मांग तो यही है कि ये जो 600 अभ्यर्थी है इनको राहत मिल जाए। 2.5 साल से बिल्कुल परेशान है, क्योंकि आज आमजन जो बहुत परेशान है और आमजन में युवा है। आज की दुनिया के टाइम पर, आज के समय में, महंगाई के दौर में युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सबसे पहले तो वो कोचिंगों के खर्चे उठाता है, हॉस्टलों के खर्चे उठाता है, फिर बाद में ये धरनों के खर्चे उठा उठा के थक चुका है। परिवार के अंदर अब माँ बाप भी ये बोलने लगे हैं कि अब कब तक पैसे देते रहेंगे, 20-25 साल की 30 साल की उम्र हो गई, तुम्हारी रोजगार नहीं मिला है तुम्हें, कोई प्राइवेट जॉब करो। लोग आस पड़ोस वाले भी अब तो तकलीफ पहुँचाते हैं, यानी कि टोन कसते हैं, ताना देते हैं। सितंबर 2021 में भर्ती आई थी लेकिन आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। इसका कारण तो यही है कि थोड़ी विभागीय DLP विभाग में थोड़े से सुस्ती पड़े से काम कर रहे हैं, एकदम टाइट, एकदम कमजोर। इनकी ललचरकारी विधि है, इसके कारण ही है ना भर्ती लेट डिले होती जा रही है दिन पे दिन। क्योंकि सबसे पहले तो ये भर्ती जब सितंबर में आई, इसका एग्जाम हुआ सही टाइम पर हो गया था जनवरी के अंदर, उसके बाद में जनवरी के बाद में इसका फिजिकल होता है 8-9 महीने बाद में आपके दिसंबर में जाकर, फिर दिसंबर के बाद में अप्रैल में इसके एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, फिर उसके बाद में अब 2023 के अंदर उसका रिजल्ट आया अगस्त के अंदर। अब आप देख लो अभी तक भी नियुक्ति का कोई चांस नहीं लग रहा है, आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता के बाद में काम सारे ठप हो जाएंगे, विभागीय कार्रवाई। लेकिन मैं सरकार को तो चुनौती इस बात से देना ही चाहूँगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य के सरकार के अंदर, अपनी सरकार के अंदर युवाओं को वो कहती है कि हम युवाओं की सरकार है, लोगों को रोजगार देंगे। आज रोजगार प्रार्थी बेचारे धक्के खा रहे हैं रोडों पर, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा, पहनना नसीब नहीं हो रहा, किराया वो कहीं से एडजस्ट करके। लगभग मैं 20-25 धरनों में मैं खुद आ चुका हूँ, एक धरने में आने, यहाँ पर बैठा 200 विधानसभाओं से बंदे आ रखे हैं, यहाँ से कोई बंदा कल दोपहर में शाम से रवाना हो चुका है, किसी का 1000 रुपये किराया लग गया, ट्रेन से आए हैं, कोई बस से आए, बहुत खर्चा हो रहा है एक एक विद्यार्थी का। और आज की इस बेरोजगारी के युग के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, यानी कि ये धुले हुए कपड़े हम शर्म से पहन के आने पड़ते हैं, साबुन के पैसे भी बहुत मुश्किल से उठाना पड़ रहा है। भैया आप? मैं नीम का थाना से आया हूँ, हम 3 दिन से बैठे हैं, 26 से 27 को और आज 29 को। अंदर से कोई आप? कुछ भी नहीं है अंदर से, बस गोली मिलती है कि 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर ये बंद करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आप 29 तारीख को हम दे देंगे, 29 तारीख को दे देंगे, पर आज भी 29 हो गई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, मैं बजरंगराम बांबू फायरमैन भर्ती 2021 की मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से DLP के बाहर धरने पर बैठे हैं। 23 अगस्त को अंतिम परिणाम आ चुका है, अभी भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। मीडिया माध्यम तमाम सरकार के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करवाएँ। धन्यवाद। देखिए ये 2021 की भर्ती को लेकर हम अभी तक यहाँ पे नियुक्ति आदेश को लेकर बैठे हैं, पिछले 4 दिनों से यहीं बैठे हैं, भूखे प्यासे घर नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले किसी भी प्रकार से हमारी नियुक्ति हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि राजस्थान सरकार भारत के समस्त राज्यों में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकालने वाली, बेरोजगारी को राहत देने वाली राजस्थान सरकार है, लेकिन इन अधिकारियों के कारण, ढीले अधिकारियों के कारण, ढीले डिपार्टमेंट के कारण हमें नियुक्ति प्रदान नहीं होती है। भर्ती निकलना लक्ष्य नहीं होता, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी वो सरकार का लक्ष्य होता है। सामने इलेक्शन है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन अधिकारियों को आदेश करें और हमें नियुक्ति दें और हम समस्त परिवारों को एक बार शांति प्रदान करें। धन्यवाद।